मुझे कबूल नहीं, ड्रामे में मायरा को सुलमान बिल्कुल भी कबूल नहीं है। सुलमान जैसा जिद्दी और आवारा लड़का मायरा की तबीयत से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, इसीलिए मायरा तो उस कैद से निकलना चाहती है। मगर सुलमान शोहर होने का नाजायज फायदा उठा रहा है और अपना रोब जमाने की हर कोशिश कर रहा है। अब मायरा की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। सुलमान के बेवजह शक करने की वजह से मायरा पर हर जुल्म करने वाला है। मायरा की अच्छी आदत की वजह से आतिर मायरा को पसंद करने लग गया है, मगर आतिर नहीं जानता कि मायरा का निकाह हो चुका है। आतिर का रिश्ता जब मायरा के घर पहुंचेगा तो सुलमान तो आग बबूला हो जाएगा, जबकि मायरा को भी अंदाजा नहीं आतिर इतना ज्यादा सीरियस है। मायरा आतिर को सब कुछ बता देगी कि कैसे उसका शोहर उस पर जुल्म करता है, शक करता है और वो गुलाम बनाकर रखना चाहता है। अब सुलमान को तो पहले ही मायरा पर शक हो चुका है, इसलिए बात बात पर वो उसे कहेगा तुम मेरी बीवी हो, उसे टॉर्चर करेगा और मायरा से जबरदस्ती कहेगा कि मुझसे मोहब्बत करो। आतिर और मायरा को बाहर मिलता देखकर सुलमान आतिर के साथ साथ मायरा को भी मारेगा। तब आतिर सुलमान से कहेगा 50 लाख ले लो और मायरा की जिंदगी से निकल जाओ। तब सुलमान की लालची आदत उसे मजबूर करेगी कि 50 लाख लेकर मायरा को छोड़ दे। कौन कौन आतिर और मायरा को एक साथ देखना चाहता है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।